केंद्रीय कैबिनेट ने हिमाचल के सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर हरी झंडी दे दी है। मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद हाटी समुदाय की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है। बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सिरमौर के हाटी समुदाय के ये लोग 50 सालों से ये मांग कर रहे थे और उनकी ये मांग काफ़ी पुरानी है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस मांग को मान लिया है और ये एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा प्रदान करने को मंजूरी दे दी है। अधिक जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि हाटी समुदाय के लोग पिछले कई वर्षों से अपनी इस मांग को लेकर सरकारों के समक्ष आ रहे थे, लेकिन इस बाबत कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा था। वहीं अपने सिरमौर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाटियों को आश्वासन दिया था कि उनकी इस मांग को जल्द पूरा किया जाएगा और अब उनकी ये मांग पूरी हो गई है। विशेष दिन है और मैं इस दिवस के अवसर पर अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। आज कैबिनेट का फैसला आया है और उसमें जो हमारा जिला सिरमौर का त्रासगिरी का क्षेत्र है, उसकी जो लंबे समय से जनजातीय करने की मांग चली आ रही थी, उस मांग को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का आभार प्रकट करता हूं। इस क्षेत्र के जो मांग 1969-70 से चली आ रही थी, क्योंकि सात लगता क्षेत्र जो उत्तराखंड का जौनसार बाबर का क्षेत्र है, उसको 1967 में जनजाति का दर्जा मिला था, लेकिन उसी के साथ लगता क्षेत्र जो हमारा ट्रांसगिरी का एरिया, जिसमें शिलाई विधानसभा क्षेत्र, रेणुका विधानसभा क्षेत्र, पछाड़ विधानसभा क्षेत्र का राजगढ़ का एरिया और पौंटा साहिब क्षेत्र की 14 पंचायतें, जो कि लंबे समय से जनजातीय क्षेत्र की मांग कर रही थी, क्योंकि जिला सिरमौर और जो उत्तराखंड का जौनसार बाबर का क्षेत्र है, कभी एक ही सिरमौर रियासत का हिस्सा होता था, लेकिन जौनसार बाबर क्षेत्र को 67 में जनजातीय का दर्जा मिल गया था, लेकिन हमारा जो जिला सिरमौर का एरिया था वो इससे वंचित था। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा अपने केंद्रीय नेतृत्व का। आज हमारा जो ट्रांसगिरी एरिया है उसकी लगभग 155 पंचायतें और करीब 3.5 लाख लोग जो इस मांग को बड़े शांतिपूर्ण ढंग से पिछले 50 वर्ष से अधिक समय से कर रहे थे, आज उनकी मांग पूरी हुई है और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फायदा इस क्षेत्र के लोगों को इस मांग को पूरी होने से हुआ है। वहीं जनजातीय दर्जा मिलने के बाद हाटी समुदाय के लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने इस मांग को पूरा करने के लिए केंद्र व हिमाचल सरकार का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी जर्नल, शिमला।